जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार रात बड़ा आतंकी हमला हो गया। आतंकियों ने एक डॉक्टर समेत 7 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में मारे गए सभी लोगों की पहचान हो गई है। डॉक्टर की पहचान बडगाम के शाहनवाज अहमद के तौर पर हुई है। बाकी 6 मृतकों की पहचान पंजाब के गुरदासपुर के गुरमीत सिंह, बिहार के रहने वाले अनिल कुमार शुक्ला और फहीम नजीर, कठुआ के रहने वाले शशि अबरोल, बिहार के मोहम्मद हनीफ और कलीम के रूप में की गई है। आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर शाहनवाज अहमद के घर पर मातम पसरा है। सुनिए उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है। डॉक्टर शाहनवाज एक सीनियर डॉक्टर थे और काबिल थे, होनहार था, और इसके साथ साथ वो एक महजब और मजहबदार शख्स भी था। डॉक्टर साहब की कल खबर जो हुई, इलाके फैल गई तो मातम बरपा गया। रात लोग नंदी सोए गए, अभी तो अभी भी थोड़े लोग अभी इस गगनगी गांदरबल में है, क्योंकि ये उल्फत और प्यार देखकर अभी भी लोग घरों में सहम गए, थोड़े लोग घरों से बाहर है और मेरे कजिन भी लग रहे हैं। तो हमने हम पर एक कयामत बर पड़ी और ये खल्लापुर करने के लिए हमारे पास इसको अल्फाज है, लेकिन ये अल्लाह का हमारे पास आजमाइश पड़ी है। We have to face the challenge. आपने कब ये सुना कि ये इंसिडेंट शायद है? बेसिकली हमें लेट से खबर लगी कि डॉक्टर शाहनवाज जख्मी हुए हैं यहाँ पर गगनगीर सोनमर्ग में, लेकिन आज आज टाइम गया तो हमने 9:30-5 बजे बोलो कि मेरी पीसीआर गांदरबल से कंफर्म किया, व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट। उन्होंने कहा हमारे पास अभी कोई अपडेट नहीं, लेकिन 2 मिनट के बाद वहां से मुझे फोन आ गया डॉक्टर शाहनवाज की कन्फर्मेशन डेड हो गई है। फिर हम यहाँ रात भर रहे, 12-1 बजे तक देर था, रात भी बड़ी है, लोगों को हमने दिलासा दिया कि आप घर में बैठे, सुबह आएंगे। जो ही डॉक्टर साहब की डेड बॉडी आई, विल यू सिग्नल टू एवरीवन दैट कम एंड ऑफर द लास्ट नमाज जनाज डॉक्टर साहब। बेसिकली डॉक्टर साहब इन्होंने डॉक्टर और काबिल भी थे और बहुत दीनदार भी थे और उसका रवैया लोग के साथ बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब के फैमिली के बारे में? पापा भी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, ही वाज वेरी डेडिकेटेड। उसके बाद भी 4-5 साल 6 साल से उसके बाद की डेथ हो गई। माँ भी पाली अल्लाह का, अपने रास्ते में गई। अब डॉक्टर साहब के पीछे उसके भी 2 भाई है, वो भी अनमेरिड है। डॉक्टर साहब की बेटी की शादी से 4-5 दिन पहले हुई है और शायद अभी वो इलाज में ही अभी रुखसती वापस नहीं आई थी अभी। और डॉक्टर साहब की 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, बेटी की शादी है, अभी 2 बेटे हैं, बेटी दोनों कॉलेज, एक कॉलेज में पढ़ रहा है और दूसरा हायर सेकेंडरी पढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। TRF लश्करे तैयबा की ही एक शाखा है। गांदरबल के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शेख सज्जाद बताए जा रहे हैं। शेख सज्जाद श्रीनगर के बिमना के रहने वाले हैं, लेकिन कई वर्षों से पाकिस्तान में सक्रिय हैं। 2019 के बाद शेख सज्जाद ने लश्कर तैयबा की मदद से TRF आतंकी संगठन की कमान संभाली है और सूत्रों से पता चल रहा है कि शेख सज्जाद ने ही एक लोकल गुट को एक्टिव करते हुए इस पूरे इलाके की पहले रीकी करवाई और उसके बाद ही कल देर शाम आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया और जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक डॉक्टर शामिल है और बाहर के रहने वाले कुछ जो प्रवासी मजदूर है, 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई है। उसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्न ऑफ किया। एक बड़ा जो तलाशी अभियान है वो इस समय भी लगातार इस पूरे इलाके में चल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि CRPF के जवान जो है वो तैनात है यहाँ पर और इस पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है और यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो इस पूरे हमले के पीछे जो हाथ बताया जा रहा है वो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का बताया जा रहा है। लश्कर तैयबा से जुड़ी संगठन है TRF, जो 2019 से कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय है और इसके कमांडर है शेख सज्जाद, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज है और NIA ने भी उसे वांटेड घोषित किया है। 10 लाख का जुर्माना उसके सर पर है। पाकिस्तान में सक्रिय है और पाकिस्तान से ही कश्मीर में आतंकवाद को चलाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान से ही कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को एक्टिव किया जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई एप्लीकेशंस के जरिए पहले युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता है और उन्हें फिर टारगेट दिए जाते हैं। सोनमर्ग का ये इलाका है काफ़ी संवेदनशील इलाका है और ये जरमोहर और जोजीरा टनल जो है रणनीतिक परियोजनाएँ हैं जिन पर भारतीय सरकार 6,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो पैसा है
वो खर्च कर रही है। जरमोहर टनल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, इसका निर्माण जो है मुकम्मल हुआ है और अब कुछ ही समय के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करने वाले थे। इस टनल की वजह से लद्दाख और श्रीनगर में जो है दूरी है वो कम होगी और साथ ही साथ हर मौसम में जो कनेक्टिविटी है वो ये दोनों टनल प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को जो है फराहम करेगी। उसके साथ साथ खासतौर पर हमारे सुरक्षा बलों को आसानी होगी श्रीनगर से लद्दाख और लद्दाख से श्रीनगर आने जाने में। लेकिन फिलहाल NIA इस पूरे मामले की जांच करने के लिए तैयारियां कर रहा है। दिल्ली में हुई जो डिस्कशंस और मीटिंग्स हुई है उसके बाद ही सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि NIA को इस पूरे आतंकी हमले को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है और आज जो है NIA की टीम यहां पर पहुंचेगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करेगी। लेकिन उससे पहले इस पूरे इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पर सुरक्षा बलों को इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को जरमोहर कंस्ट्रक्शन साइट के नज़दीक निशाना बनाया, मेस के अंदर दाखिल होकर प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग की, एक गाड़ी में जिसमें प्रवासी मजदूर ट्रैवल कर रहे थे उस पर भी निशाना बनाया, उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए जिन्होंने इन प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। वहीं इस हमले पर रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे का क्या कहना है? और नई सरकार का गठन होते ही आतंकवादियों ने दिखा दिया कि हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर और साफ है कि हमको अलग कश्मीर चाहिए और आतंकवाद का हमें खेल मचाना ही मचाना है और कश्मीर का खून बहाना है। ये जो एक लश्कर ए तैयबा का एक टेररिस्ट फ्रंट है सो कॉल्ड TRF नाम का, इन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने ये आतंकवादी हमला किया है गंदेरबल में, जो सोनारमार्ग से जो जेड टर्निंग के पास एक टनल बन रहा है और उस टनल में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर जब वो मेस में गए थे रात के 8:30 बजे तब उनके ऊपर हमला किया गया, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अब ये सब करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? इनका मकसद एक ही है कि आतंकवादियों को बोलना है कि चाहे तुम कितना भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो जम्मू कश्मीर में, ये हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपने मंसूबों को कामयाब होने देंगे और चाहे तुम कुछ भी करो, इस हमारे हमारा जो उद्देश्य है इसके पीछे हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये जो पूरा आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है हमको पता है। तो पाकिस्तान ने अभी अपने दिन पाकिस्तान के कुछ ही बचे हैं, हमारे पेशेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए भारत के, और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। रिसेंटली देयर वर इलेक्शंस इन कश्मीर एंड इन कश्मीर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज बीन इलेक्टेड। नाउ द टेररिस्ट इन कश्मीर वांट टू पोर्ट्रे अ फीलिंग दैट यू माइट इंक्लूड डेमोक्रेसी इन कश्मीर बट वी आर गोइंग टू फुलफिल अवर एजेंडा एंड यू आर नो नेवर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। दैट इज द मैसेज दे हैव सेंड टू भारत एंड द गवर्नमेंट ऑफ आर कंट्री। कम वॉट मे, we all know that these terrorists are being helped with weapons, they are being helped with training by Pakistan. No other country is doing this except for Pakistan. This is a loud and a clear message to Pakistan that Pakistan must immediately halt these adventurous activities that they are trying to play with India. Our external affairs minister Mr. Jaishankar also when he had gone for the SCO meet, he made certain things very, very clear that talks with Pakistan only are possible if Pakistan keeps aside the issue of terrorism, point number one. Point number two is if issues of Pak-occupied Kashmir are immediately solved and Pak-occupied Kashmir is handed over to India. These two issues were very, very important and our external affairs minister made it very, very clear. The days of Pakistan are numbered. Pakistan should take this as a strong warning. वहीं गांदरबल पर हुए आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ ये कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित करते हैं।
इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।